तो कैसे हो दोस्तों, तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो। जब भी आप कहीं विदेश में घूमने के लिए जाते हैं, विदेशों में घूमने के लिए आपने पासपोर्ट शब्द तो सुना ही होगा, इसी के साथ आपने वीजा शब्द भी सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है? अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में बने रहे, आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग आए दिन देश विदेश की यात्रा करते रहते हैं, उन्हें भी पासपोर्ट और वीजा के बारे में सही जानकारी पता नहीं है। लेकिन जो इस क्षेत्र में नए हैं, उनके लिए कन्फ्यूजन है। उनके मन में पासपोर्ट व वीजा को लेकर के कन्फ्यूजन बना रहता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो नहीं जानते कि पासपोर्ट व वीजा क्या होता है। वैसे आपको बता दें कि जब भी आप भारत से बाहर विदेशों में काम करने या घूमने जाते हैं, तब आपको पासपोर्ट और वीजा की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों दस्तावेज के बिना आप विदेश की यात्रा नहीं कर सकते। तो अगर आप भी पासपोर्ट और वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको पासपोर्ट और वीजा में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं और इनका प्रयोग भी अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। ऐसे में कई लोग इन दोनों को लेकर के कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। यदि आप लोग भी विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप सभी को वीजा व पासपोर्ट की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि किसी देश के सरकारी विभाग द्वारा उसके नागरिक की पहचान के लिए जारी किया जाता है। ये विदेशों में एक पहचान के तौर पर काम आता है। जैसे मान लीजिए कि आप भारत में रहते हैं और आपको किसी दूसरे देश जाना है, तो तब विदेश में आपसे आपकी पहचान मांगी जाएगी। भारत में तो आप अपने आधार कार्ड पहचान पत्र के जरिए अपनी पहचान साबित कर सकते हैं, लेकिन विदेश में आधार कार्ड नहीं चलते। विदेश में आपकी पहचान के लिए विशेष दस्तावेज जैसा कि पासपोर्ट बनाया जाता है, इसी के जरिए आप विदेश में अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज होता है जो लगभग सभी देशों में अपने नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। इस दस्तावेज में आपका नाम, माता पिता का नाम, जन्म स्थान, तारीख, लिंग, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकरण, जारी करने की तारीख और वैलिडिटी और कंट्री का नाम लिखा हुआ होता है। इस दस्तावेज का उपयोग मुख्य तौर पर दूसरे देशों की यात्रा करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप विदेश की यात्रा नहीं कर सकते। जब आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, तो सरकार आपके बारे में सारी डिटेल कंफर्म करने के बाद ही आपका पासपोर्ट बनाती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं वीजा के बारे में। वीजा एक तरह की अनुमति होती है जो किसी व्यक्ति को अपने देश में प्रवेश करने के लिए दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप भारत में रहते हैं और आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिका देश से अनुमति लेनी होगी कि आप उस देश में आना चाहते हैं, और इसी अनुमति को वीजा कहते हैं। ये दस्तावेज के रूप में होता है। हालांकि ज़्यादातर केस में देखा गया है कि ये पासपोर्ट में मोहर के रूप में होता है। जब आप किसी देश में जाने के लिए उस देश के वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ के सरकारी विभाग आपके पासपोर्ट व अन्य जानकारियाँ कन्फर्म करेगी। वे आपसे अपने देश में आने का कारण जानेंगे। और भी कई जानकारियां होती हैं जो आपको अप्लाई करने के दौरान देनी होती हैं। जब आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, तब आपके पासपोर्ट में इसकी मोहर लगा दी जाती है। पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी देश द्वारा अपने नागरिकों के लिए दूसरे देश में यात्रा करने के उद्देश्य से वे पहचान प्रूफ के रूप में दिया जाता है। वीजा एक तरह से आधिकारिक अस्थायी अनुमति है जो किसी देश में जाने से पहले उस देश से ली जाती है। इस अनुमति के स्वीकार्य होने के बाद ही आप उस देश में प्रवेश ले सकते हैं। पासपोर्ट एक छोटी डायरी के रूप में होता है, जबकि वीजा पासपोर्ट में लगी आधिकारिक मोहर होती है। जिस देश का व्यक्ति है, उसे उसी देश की सरकार पासपोर्ट जारी करती है। जिस देश में आप जाना चाहते हैं, वहाँ की सरकार वीजा जारी करती है। पासपोर्ट जारी करने का मुख्य उद्देश्य विदेश में पहचान और अपने देश लौटते वक्त पहचान कराना है। वहीं पर वीजा जारी करने का मुख्य उद्देश्य विदेशों में प्रवेश और वहाँ अस्थायी तौर पर रहने की अनुमति लेना है। वीजा को विदेशी दूतावास जारी करता है, जबकि पासपोर्ट को देश का सरकारी विभाग जारी करता है। तो ये थे पासपोर्ट और वीजा के बारे में कुछ अंतर। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पासपोर्ट और वीजा के बारे में कंप्लीट जानकारी बता दी है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।